2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी मूवी ने दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बड़ी जीत हासिल की है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे मझे कलाकारों से सजी मूवी ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ये गुड न्यूज शेयर की है। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने अवार्ड नाइट की फोटो और वीडियो को शेयर किया। इस पुरस्कार को उन्होंने आतंकवाद के सभी पीड़ितों और देश की जनता को डेडिकेट किया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कश्मीर फाइल्स की टीम को बधाई मिल रही है। द कश्मीर फाइल्स 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मूवी है। इस मूवी पर काफी बवाल भी हुआ था। राजनीतिक पार्टियों ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बनाया था। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाती मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया था। इसका इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन 252 करोड़ रुपए था। वहीं मूवी ने वर्ल्ड वाइड 340.92 करोड़ रुपए कमाए थे। कम बजट में बनी द कश्मीर फाइल 2022 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रासर मूवी बनी है। बता दें कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में द कश्मीर फाइल्स के अलावा और किसका डंका बजा, तो चलिए आपको बता दें। RRR फिल्म ऑफ द ईयर, द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म, आलिया भट्ट की बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी, रणवीर कपूर को अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का, वरुण धवन को बेस्ट एक्टर क्रिएटिक्स का अवार्ड मिला भेड़िया फिल्म का, वहीं ऋषभ शेट्टी को बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर यानी कांतारा फिल्म का अवार्ड मिला, वहीं अनुपम खेर को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर यानी द कश्मीर फाइल्स का अवार्ड दिया गया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।